फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन है और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे रेशो से रिलेटेड, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गुडविल से रिलेटेड, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशो से रिलेटेड, न्यू रेशो कैलकुलेट करना, सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना, गुडविल में हम सीखेंगे ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट जो पार्टनर प्रीमियम के रूप में लेके आता है, हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट, और फिर हम रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं रेशो से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स। सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो कैलकुलेट करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो हम यहाँ पर केसेस बना के डिस्कस करेंगे कि जिससे सारा चैप्टर कवर हो जाए रेशो का। देखिए प्लीज, पहला केस है हमारे पास व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन देयर ओल्ड रेशो। सिंपल, जब क्वेश्चन आपको दिया हो ए बी पार्टनर है 3:2 के लिए और सी एडमिट हुआ 1:3 के लिए, नॉर्मल है यहाँ पर, और कुछ भी सिचुएशन आपको नहीं दी हुई, तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। लेट एज्यूम कर लोगे, आप टोटल 1 को एज्यूम कर लोगे, टोटल प्रॉफिट आप कितना एज्यूम कर लोगे, 1 एज्यूम कर लोगे, तो सी ने अगर 1:3 ले लिया तो बाकी कितना रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर 1 - 1/3, तो ये रह जाएगा 2/3, और 2/3 को आप ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 में, तो 2/3 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे यहाँ पर 2/3 × 3/5, और यहाँ पे फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2/3 × 2/5। ओके, जो भी ये आएगा ये न्यू रेशो होगा आपका, तो आप कंपैरिजन करके न्यू रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला केस क्या है आपका, सिंपल है यहाँ पर व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन देयर ओल्ड रेशो। जब ओल्ड रेशो में ही एक्वायर करता है, ओल्ड रेशो में ही एक्वायर करता है, न्यू पार्टनर ओल्ड रेशो में ही एक्वायर करता है, तो आपको सिंपल सॉल्व करना है। दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशो। आपको पर्टिकुलर रेशो दिया होगा, कैसे दिया होगा, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए ए बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए, एक्वायर इक्वली, क्या लिखा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन, एक्वायर इक्वली, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा यहाँ पर, इक्वल होगा, और ए और बी से कितना एक्वायर किया, इसको अगर हम सॉल्व करें सी को 1/3 मिला है, ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इक्वल, यानी 1/3 का हाफ, और बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, दोनों ने इक्वल यानी हाफ ऑफ कंट्रीब्यूट किया है, तो यहां से इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है, यहां से आ जाएगा 1/6 और यहां से आ जाएगा 1/6, तो इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है, तो हम इनका न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ए का न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड कितना था 3/5 और सेक्रीफाइस कितना कर दिया इन्होंने 1/6, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगा यहाँ पर आपका। इसी तरह बी का न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, हम ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पर 2/5 और सेक्रीफाइस कितना किया इन्होंने, सेक्रीफाइस कितना किया इन्होंने 1/6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा न्यू रेशो। फिर आप कंपेयर कर लोगे सी, इसको कंपेयर कर लोगे और आपका न्यू रेशो आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो सेक्रीफाइस भी हमें पता लग जाता है यहाँ पर। तो ये हमने सीखा कि पर्टिकुलर रेशो आपको दिया हो तो, या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लीजिए ए बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए, अब जो सी को 1/3 मिल रहा है, ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 2/3, बी कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/3, कंट्रीब्यूट करना मतलब सेक्रीफाइस करना, तो ए ने 2/3 कंट्रीब्यूट किया और बी ने मान लीजिए 1/3 कंट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके, इसको देखिए यहाँ पर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे यहाँ पर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, सी को कितना शेयर देना है 1/3, सी को कितना शेयर देना है 1/3, तो ये चीज नोटिस करना आप, ऐड करने पर
इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर अगर 1/3 नहीं आता है, इन दोनों को ऐड करने पर 1/3 नहीं आता है, तो हम इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको। बी, ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1/3 का 2/3 कंट्रीब्यूट किया, और बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1/3 का 1/3 कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर किस तरह से कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, 2/9, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/9, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/9। तो इस केस में हम फर्दर मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम फर्दर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ओके, तो जो इसने सेक्रीफाइस किया 2/9 और 1/9, वो इसके ओल्ड रेशियो में से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो हमने सेकंड सिचुएशन सीखी। सेकंड सिचुएशन में क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर, व्हेन न्यू पार्टनर गेन टेक ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, पर्टिकुलर रेशियो आपको दिया होता है। पर्टिकुलर रेशियो मीन्स मान लीजिए इक्वली का हुआ है तो इक्वली मल्टीप्लाई हो जाएगा, मान लीजिए दो पार्टनर है तो 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी रेशो में अगर का हुआ है तो उस रेशो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसका सेक्रीफाइस आ जाएगा, और ओल्ड में से सेक्रीफाइस अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगा। इसी तरह कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है तो हम उसको सेपरेटली डील करेंगे। तो हमने सेकेंड केस डिस्कस किया, अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए आप ये, अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर बाय सरेंडर या सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर, सरेंडर करते हैं, जब ओल्ड पार्टनर सरेंडर करते हैं अपना शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स। किस तरह से देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एबी पार्टनर है यहाँ पर 3:2 के लिए, एबी पार्टनर है यहाँ पर 3:2 के लिए, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए, ए ने सरेंडर किया या सेक्रीफाइस किया या कंट्रीब्यूट किया, ए ने सरेंडर किया सेक्रीफाइस किया या कंट्रीब्यूट किया, कितना कंट्रीब्यूट किया, एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका, सरेंडर किया या कंट्रीब्यूट किया, मान लीजिए 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, इस तरह की सिचुएशन आपको दी हो सकती है। और बी ने सरेंडर किया मान लीजिए, इसमें भी मान लीजिए 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना हिस्सा सरेंडर किया सी के लिए, ए ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर टू सी, सी के लिए कंट्रीब्यूट किया, और बी ने कंट्रीब्यूट किया 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो इस केस में हम कैसे डील करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहां पर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का कितना शेयर है यहां पर 1/3 लिखेंगे हम यहां पर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और हिज शेयर कितना 3/5, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1/5 इसने सेक्रीफाइस किया। ओके, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया यहां पर, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 4/15, तो ये आपका आ गया सेक्रीफाइस, ये आपका आ गया सेक्रीफाइस। और न्यू कैसे निकालोगे आप, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दोगे आप, आपके पास न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरह से सरेंडर या सेक्रीफाइस करता है ओल्ड पार्टनर, तो उस केस में आपको ऐसे दिया होगा 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो आपको उसमें फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, हिज शेयर मतलब ओल्ड शेयर, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस आ जाएगा। प्लीज साथ साथ एग्जाम्पल को नोट करते रहिए, इससे ऊपर आपका और कुछ नहीं है। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू रेशियो का मतलब यहां पर क्या है, फ्यूचर रेशियो, ओल्ड पार्टनर की फ्यूचर रेशियो आपको दी होगी, ओल्ड पार्टनर की फ्यूचर रेशियो आपको दी होगी।
प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। देखिए प्लीज, आपको ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशियो दी हुई है। एग्जांपल हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ए बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी एडमिट हुआ 1:3 के लिए। तो ओल्ड पार्टनर की दी हुई है, यानी सी के आने के बाद, सी के आने के बाद ए बी का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इक्वल। फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है इक्वल, फ्यूचर रेशियो आपको दिया हुआ है इक्वल। तो उस केस में क्या होगा, सी के आने के बाद ए बी का रेशियो दिया हुआ है 1:1, फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है। तो इस केस में हम कैसे डील करेंगे, सी का शेयर है रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 1 - 1/3, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा। 2/3 को हम न्यू रेशियो आ जाएगा हमारा, हमारे पास ए का न्यू रेशियो आ जाएगा 2/3 * इक्वली पार्ट लेंगे हम यहाँ पर 1/2, और बी का न्यू रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 2/3 * 1/2। तो आपको ये न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 1/3, 1/3 और 1/3। तो न्यू रेशियो आपका आ जाएगा 1:1:1। ओके, तो फोर्थ केस हमने डिस्कस किया कि ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशियो भी आपको दिया हो तो उस केस में हम इस तरह से डील करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर को फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिमेनिंग पार्टनर को फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमने चार केस डिस्कस किए, चार प्रकार के केस ही बन सकते हैं आपके। ओके, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ओके, बीच में स्किप मत करना ताकि टॉपिक कंप्लीट समझ में आए आपको। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी तीन केस बन सकते हैं आपके, इससे आगे और कोई केस नहीं बन सकता। पहला केस देखिए आपके, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट एनी डिटेल। आपको कोई भी डिटेल नहीं दी हुई, उस केस में हम क्या कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए। इस केस में आपको कोई भी डिटेल नहीं दी हुई तो आप ओल्ड पार्टनर को ही, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कह सकते हो, आप कैलकुलेट करोगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करके, जैसे आपको भी सिखाया था न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या न्यू रेशियो। ओके, बेसिकली हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बट इस केस में ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है यहाँ पर। ओके, अब हम सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। आपको दोनों रेशियो दिए हुए हैं, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है आपको। उस केस में तो सिंपल हो जाता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर बाय सरेंडर ऑफ शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स, जैसे ये थर्ड केस था आपका, सेम यही है, सरेंडर करता है वो। सरेंडर के केस में क्या होता है, जितना वो सरेंडर करता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अमाउंट आती है आपकी, तो वो इस केस में काउंट होती है। तो आपका न्यू रेशियो का और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इतने ही केस बन सकते हैं। ओके, प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना आपका। ओके, तो हमने रेशियो से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस की। शुरू करते हैं गुडविल का टॉपिक। गुडविल के टॉपिक में बेसिकली हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट और हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड गुडविल मतलब यहाँ पर बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको दी हुई है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसको एज इट इज नॉर्मल आपको एसेट साइड में दी होती है यानी डेबिट साइड में होती है, कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी, कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी, और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने सीखा ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट, उसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम सीखते हैं न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तब उसको कुछ ना कुछ शेयर एज अ प्रीमियम लाना पड़ता है। वैसे बेसिक एंट्री क्या होती है गुडविल की, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। इसमें भी तीन केस बन सकते हैं आपके, जब नया पार्टनर अपना पूरा का पूरा शेयर कैश में लेके आए, जब नया पार्टनर कुछ शेयर लेके आए
और जब नया पार्टनर कुछ भी शेयर ना लेके आए तो इसमें तीन केस आपके बन सकते हैं। प्लीज साथ साथ नोट करते रहना। आप जब नया पार्टनर अपना शेयर लेके आए तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लीजिए उसका शेयर बनता था 10,000 रुपए, तो वो पूरा का पूरा शेयर लेके आए तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस को रुपए रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10 के 10,000 रुपए टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमने सीखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर वो पार्टनर विड्रॉ करते हैं, अगर वो पार्टनर विड्रॉ कर देते हैं, कर लेते हैं, मान लीजिए 100% विड्रॉ कर लिया या 50% विड्रॉ कर लिया या कुछ भी परसेंट अगर वो विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट पे वो डेबिट हो जाएंगे, ड्रॉइंग एक तरीके से, तो वो डेबिट हो जाएंगे टू बैंक। बैंक में बैंक क्रेडिट क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस में से रुपए जा रहे हैं तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जितनी अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे, जितनी अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे बैंक, उतने से क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो हमने सीखा पहला टॉपिक न्यू गुडविल का, जब नया पार्टनर अपना शेयर पूरा का पूरा लेके आता है। मान लीजिए यहाँ पर पार्टली शेयर लेके आया हो, 10,000 बनते थे, 6,000 रुपये ही लेके आया नया पार्टनर, तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट होगा 6,000 रुपये से। बैंक में कितने रुपए आएंगे, 6,000 रुपये लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब 6,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल को तो कैंसिल कर देंगे, 4,000 रुपये उसके शेयर बनते थे बट वो नहीं लेके आया तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, उसको करंट उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 4,000 रुपये से। और ये जो टोटल 10,000 रुपये है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए, इसलिए उसका शेयर उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। अगर वो कुछ भी शेयर नहीं लेके आता है, 10 का 10,000 रुपये नहीं लेके आता है, तो पहली एंट्री तो हो ही नहीं सकती, बैंक अकाउंट डेबिट तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। दूसरी एंट्री में उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 से, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लीजिए इक्वल है तो हम उसको 5,000 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो अगर वो शेयर नहीं लेके आता है तो हम इस तरह से डील करेंगे। तो न्यू गुडविल के केस को हम तीन केसेस के अंदर डील कर सकते हैं, न्यू गुडविल के ट्रीटमेंट को हम तीन तरह से डील कर सकते हैं। अब हम थर्ड टॉपिक सीखते हैं गुडविल का, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, फर्म गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर। फर्म गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू फर्म कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस के अंदर। न्यू फर्म कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, न्यू पार्टनर की कैपिटल है जो, उसका शेयर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, नई फर्म कैपिटल आ जाएगी। एक्चुअल कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल में जितने भी प्रॉफिट है, रिजर्व है, सब ऐड कर देंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल कैपिटल। या फिर सारी असेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल कैपिटल। तो न्यू फर्म कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल तो हमारे पास आ जाएगी फर्म गुडविल। फर्म गुडविल आने के बाद हम नए पार्टनर का शेयर निकाल सकते हैं, न्यू पार्टनर का हम शेयर निकाल सकते हैं इन गुडविल, नए पार्टनर का शेयर हम निकाल सकते हैं इन गुडविल। ओके, तो प्लीज आप ये नोट कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना प्लीज आप। ओके, तो गुडविल को हम तीन तरह से, तीन ही टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर के अंदर, तीन ही टॉपिक है गुडविल को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि आपको किससे रिलेटेड टॉपिक चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, किस तरह से हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय।